पता ही चला होगा मेरे रीसेंट फोटो अपडेट से कि मैं श्रीलंका गई थी, पर आपको पता है कि ये इंटरनेशनल ट्रिप मैंने मैनिफेस्ट किया था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। सो मुझे मेरे प्रोफेशन की वजह से अलग कंट्रीज, अलग सिटीज में घूमने का मौका मिलता है। इंडिया में तो काफ़ी फ्रिक्वेंटली होता ही है, पर काफ़ी अर्सा हो चुका था मुझे इंटरनेशनल ट्रिप करके। सो लास्ट ईयर साल की शुरुआत में मैंने 3 गोल्स सोचे थे, जिसमें से डूइंग एन इंटरनेशनल इवेंट वॉज वन ऑफ माई गोल। साल पूरा ख़त्म होने आया, दिसंबर में जब मैं फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट कर रही थी, तभी मुझे जस्ट रियलाइज हुआ कि मैंने ये जो गोल रखा था इंटरनेशनल इवेंट करने का, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे कोई अपॉर्चुनिटी भी दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। सो एंड आई वॉज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विद सम अदर प्रोजेक्ट, सो इट वॉज लाइक प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि मैं इंटरनेशनल इवेंट करूँ। बट फिर भी सो आई हैव अ हैबिट ऑफ यू नो टॉकिंग टू गॉड, यू कॉल इट यूनिवर्स। सो आई वॉज टॉकिंग कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे इंटरनेशनल इवेंट करना है, मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, दैट इज़ नॉट माई लुकआउट, बट मुझे ये चीज़ करनी है। सो वो चीज़ मेरे बैक ऑफ द माइंड रह गई थी सबकॉन्शियसली। ये इवेंट मिलने के जस्ट एक वीक पहले आई वॉज अगेन यू नो टॉकिंग टू माई सेल्फ कि यार ये चीज़ नहीं हुई अभी तक और आई वॉन्ट दिस सो बैडली, एंड विद इन अ वीक आई गॉट अ कॉल फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। सो ऐसा नहीं कि ये मेरे साथ पहली बार हुआ है, मेरे पास ऐसे अनगिनत एक्सपीरियंसेस है जहाँ पे मैंने कोई चीज़ चाही, सोची और वो हुई है मेरे साथ। एंड आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। मैं मतलब मैं दिल से बिलीव करती हूँ कि आप जो एक्चुअली लाइफ में चाहते हैं वो आपको मिलता है। सो बट देर इज़ अ वे ऑफ यू नो विच आई फील कि मेरे जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है मेरी एक्सपीरियंसेस का, उसके हिसाब से मुझे लगती है कि 4-5 चीज़ें हैं जो हमें अगर हम फॉलो करें तो हमारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। सो जिसमें से पहला है ग्रैटिट्यूड। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द ब्लेसिंग दैट यू ऑलरेडी हैव इन योर लाइफ। छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग, बट उसके लिए अपने आप को यू नो ग्रेटफुल, अपने आप को नसीब वाला समझना, अपने जो हमें मिला है उसको लेके कि मुझे बहुत मतलब जो भी मिला है वो बहुत है मेरे लिए, ऐसा सोचना और उसके लिए ग्रेटफुल फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड इज़ बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर ड्रीम्स। तो बहुत बार हम जब बड़े सपने देखते हैं तो पहली बात एक्चुअली हम डरते हैं बड़े सपने देखने के लिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शायद हम में उतनी क्षमता नहीं है, हम उतना नहीं कर सकते हैं या फिर पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको एक्चुअली अपने आप पे बिलीव करना है, अपने सपनों पे बिलीव करना है। मैं आपने वो कहावत सुनी होगी, जिस गली जाना नहीं उस गली का रास्ता क्यों देखना है, और एग्जैक्टली यही गलती हम अपने सपनों के साथ भी करते हैं। हम उन सपनों के बारे में सोचेंगे नहीं या फिर उस सपनों की तरफ देखेंगे नहीं, तो तब तक उस तरफ जाने के लिए रास्ता क्रिएट नहीं होगा, वो एनर्जी क्रिएट नहीं होगी, आप वो सपना वो रियलिटी में आएगा नहीं जब तक आप उसके बारे में सोचोगे नहीं। तो पहली बात तो आपको उसके बारे में सोचना है, स्टेप्स लेने हैं, अपॉर्चुनिटीज़ उसकी तरफ का रास्ता अपने आप आपको मिलता जाएगा। थर्ड थिंग इज योर वर्क इज टू कीप ड्रीमिंग एज बिग एज पॉसिबल एंड रेस्ट लीव एवरीथिंग ऑन यूनिवर्स। ट्रस्ट मी, आपका काम है सब बड़े से बड़ा सपना देखना और उसकी तरफ उसके लिए उसके बारे में सोचना, और यू हैव टू टेक अ स्टेप्स टूवर्ड्स इट। बाकी वो कैसे होगा, आपको कैसे राह मिलेगी, आपको कहाँ से अपॉर्चुनिटी आएगी, दैट इज नॉट योर लुकआउट, दैट इज नॉट योर हेडेक, वो यूनिवर्स संभाल लेंगे। लेकिन आपको पहली बात तो वो सपना देखना है, इमेजिन करना है, सोच ये बिलीव करना है कि आप वो अचीव कर सकते हो। फोर्थ थिंग इज पेशेंस एंड सैक्रिफाइस। सी, इसके बिना तो लाइफ में कोई भी चीज़ मिलना नामुमकिन है। मैंने इंटरनेशनल इवेंट करने का सपना लास्ट ईयर की शुरुआत में सोचा था, जो अब जाके पूरा हुआ है, और इस दरमियान काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी आए, तो ये चीज़ तो ऑब्वियसली रहेगी। लेकिन क्योंकि सी मैं आपको एक और एक मज़े की बात बताती हूँ। सो कोविड के पहले मैं जिस कंपनी में काम कर रही थी,
वहाँ पे मैं आई वॉज प्लानिंग टू रिजाइन एंड तभी मुझे श्रीलंका जाने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा था. बट मैंने वो जाने दिया बिकॉज उस टाइम पे रिजाइन करके दूसरी कंपनी में जाना मेरी ग्रोथ के लिए ज़्यादा बेटर था. तो ये ऐसी चीज़ें भी करनी, मतलब जब भी ऐसी होती है तो वो करनी होती है बिकॉज आई आई न्यू दैट आई ऑल्सो बिलीव दैट यू नो मेरे लिए अगर कोई चीज़ है या फिर मैं अगर कुछ सोचती हूँ तो डेफिनेटली होगा, अब नहीं तो बाद में, क्योंकि हर एक चीज़ का वक्त होता है और वो जब वक्त आने तक आप उसके लिए प्रिपेयर होते हो. सो वो चीज़ अल्टीमेटली अभी जाके मैं जब फ्रीलांसिंग मैंने स्टार्ट किया वो तभी पूरी हुई है. सो द एंड द फिफ्थ पॉइंट इज आप जो भी सपने देख रहे हो आप बिलीव कर रहे हो, पहली बात तो आपको वो लिखना है, सिर्फ दिमाग में सोचना नहीं है, आपको वो एक पेपर पे, नॉट इवन आपके फोन में नहीं बट आपके एक पेपर पे आपको उसको लिखना है एक प्रॉपर डिटेल्स के साथ, आप कैसे इमेजिन कर रहे हो और डेट के. इसका मैं अपना खुद का आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि लिखना क्यों ज़रूरी है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो. सो मैंने 2022 में तीन ड्रीम्स, वैसे तो बहुत सारे और लिखे हुए हैं बट जो अभी तक पूरे हुए हैं मैं उसके बारे में बात करूँगी. सो मैंने तीन ड्रीम्स लिखे थे जिसमें से एक फर्स्ट था कि मुझे बाइक राइडिंग सीखना है. सेकेंड वॉज आई वॉन्ट टू लर्न स्विमिंग एंड थर्ड वॉज आई वॉन्ट टू वर्क इन अ कंपनी वेयर आई कैन यू नो आई गेट इमेंस अपॉर्चुनिटीज टू यू नो टू ग्रो माई सेल्फ. एंड दिस वॉज दिस आई ये मैंने लिखा था 2022 में 8 जुलाई को. और एक्चुअली एक साल के बाद आई वुड से ये तीनों, मतलब मैंने 2023 में मैंने बाइक राइडिंग सीखा, मैंने स्विमिंग सीखी और मैं पूरे साल भर में जो भी कंपनीज के साथ मैंने काम किया मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिली एज अ पर्सन, एज अ प्रोफेशन, एज अ प्रोफेशनल मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली. और सो ये चीज़ पूरी हुई है मेरी. सो ऑल आई कैन से इज लाइक देर इज अ पावर कॉल इट अ गॉड और यूनिवर्स दैट इज ऑलवेज वर्किंग फॉर यू, हेल्पिंग यू, गाइडिंग यू एंड प्रिपेयरिंग यू फॉर दैट बिगर पिक्चर. ऑल यू हैव टू डू इज इमेजिन, फर्स्ट ड्रीम एंड इमेजिन दैट बिगर पिक्चर एंड बिलीव दैट यू कैन अचीव इट. जी हाँ, वैसे रिकॉर्डिंग भी मॉम के फोन पे ही कर रही हूँ, मेरा फ़ोन तो अभी साथ नहीं दे रहा है. सी मॉम के फ़ोन की भी क्वालिटी अच्छी है मेरे फ़ोन से, नया फ़ोन देने की ज़रूरत है, मैनिफेस्ट करना पड़ेगा.